हेलो जी। ओम नमः शिवाय, 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 राधे 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 राधे। एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सोर्स ब्लॉग। कैसे हो आप सोर्स ब्लॉग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ आज क्या दिन है। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, तो वो ये है कि आज मेरी एनिवर्सरी है। तो आप सब लोग विस कर सकते हो। और मेरी शादी को हो चुके हैं 12 साल हो चुके हैं। आज 13वां साल लगा है। और इस साल में बहुत सारी ऐसी यादें हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी, बहुत सारे बहुत अच्छे पल हैं। और मैं क्या ही बताऊं, मतलब ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत पल 12 साल में मैंने जो जिया है तो बता नहीं सकती हूँ। हर एक दिन मेरे लिए तो एनिवर्सरी जैसा ही होता है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत केयरिंग हैं और नेचर वाइज तो इतने अच्छे हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब बहुत अच्छे हैं ऐसे, कभी मतलब आज की जो जनरेशन के हिसाब से उनकी सोच है वैसे नहीं है कि क्या ये क्यों कर रही हो, वो क्यों इधर क्यों जा रही हो, ये वो सब ऐसी चीज़ों में रोक टोक बिल्कुल नहीं करते हैं। वो एकदम ओपन माइंडेड हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हर टाइम मतलब सपोर्ट करते हैं और मेरी सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं, ऐसे में रो टाइप तो मैं भी नहीं जमाती हूँ, लेकिन हाँ अच्छे हैं और इजीली सुन लेते हैं, बात को मान लेते हैं और हमेशा मैं कोई शॉपिंग करने जाऊँ या कुछ भी कभी मना नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हम हाउस वाइफ को या किसी भी वाइफ को क्या चाहिए, बस उसका हस्बैंड अच्छा रहे, हमेशा उसकी बात सुने और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। हर रोज़ एनिवर्सरी जैसा दिन ही होता है कि अगर हमारा हस्बैंड हमारी बात सुन ले तो। मैं ये नहीं मानती कि हाँ एक दिन ही ऐसा आता है कि एनिवर्सरी का कि हाँ वो ही स्पेशल होता है मेरे लिए, तो रोज़ स्पेशल होता है। और मैं चाहती हूँ सभी के हस्बैंड सबकी सुने और सबकी बातें माने। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही सुने, वाइफ का भी फ़र्ज़ बनता है सुनने का। तो सब अच्छे से रहें, हर एक दिन एनिवर्सरी जैसा लगे, हर एक दिन ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आज हमारी शादी का बेस्ट डे है, रोज़ ही ऐसे ज़िंदगी जियो। तो थैंक यू सो मच माई डियर हस्बैंड, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने मतलब हर चीज़ कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। और ये देखो मेरी फ्रेंड मुझे विश करने आई है, सीमा विश करने आई हूँ दावत खाने। ये दावत मतलब एनिवर्सरी की अभी कोई शुरुआत हुई नहीं है। और ये देखो मेहमान बिन बुलाए मेहमान पहले ही आ गए, ये टपक गए। ऐसे बुलाते नहीं है ऐसे। अच्छा बुलाती नहीं हूँ, रोज बुलाती हूँ, रोज आती हूँ वीडियो में, हमेशा तुम और ध्यान से रहता है। और ये देखो हृदयांश भी आ गया है, बोलो हैप्पी। हेलो गाइस, बोलो हेलो, राधे राधे बोलो, बोलो राधे 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 तिलकधारी। क्या इसे कुछ चाहिए? अच्छा यहाँ पे बैठ जाओ, ये बोल रहा है ऊपर नहीं, ऊपर बैठा नहीं, नहीं, नहीं ऊपर बैठने का। चलो ना चलो इसे छोड़ दो, अरे इसे छोड़ दो, तो चाय पी के जाना ना, चाय पी के आ रहे एकदम, चाय वाय पी के जाना आप, आइए नाश्ता वास्ता करके ही जाना। और क्या ठीक है, ओके मैं लेके आती हूँ नाश्ता। हाँ बैठे रहो। तो मुझे एक काम आ गया था, मतलब मुझे कहीं बाहर जाना है, ऐसी पास में ही लोकल में ही जाना है, कुछ काम था। तो चलिए चलते हैं। और आज एनिवर्सरी है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन अभी कुछ ऐसी खास प्लानिंग है नहीं, बट हाँ घर पर ही बनाएंगे इस बार। हर बार बाहर जाना ज़रूरी नहीं होता, तो इस बार घर ही इंजॉय करेंगे। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।
वीडियो ना वो वीडियो वाले बना के फोटो कैच इसमें कह दो इसमें साफ आ गया अच्छा खड़े जो रहा था तो सोरे ले इसमें ये फोटो खींच इसमें इसमें है ऐसा वाला वो गुब्बारे में फोड़ लागो गुब्बारे फोड़ दो ये खा लो ये लग रहा है ला मैं बनाऊं गुब्बारे फोड़ ले लो एक कटोरी ले लो चल गुब्बारे फोड़ लो भैया बस बस और दूल्हे का फोटो अच्छा ना मसा 1100 रुपए कुरियर तो करने एक तो 900 तो हो गए 200 और दो जल्दी अभी तो लो पे चल रहे हैं बिजनेस मैन अरे तो माला डलेगी ललित चिमटा का काट दे एक और नीचे नीचे काट दो तो कर देना तुम तो खड़ी हो जाओ मैं भी हूं हां मैं भी पहुंच जाएगा अंत तक मैंने काट दिया अरे हमारी भाभी ने काट दिया मुझे तो वो रात को वाले जल्दी निकाल ले निकालो कि मत खुद मारियो राजेंद्र से बात हां 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 ह
हो।